हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो कि गाइडन चैप्टर 48 का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिटेल में देखेंगे आज। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी की सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन तक कैसे जाती है। तो वो दो स्टेप्स में जाती है हमारे पास। सबसे पहले तो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी बॉडी पार्ट से, जैसे आपके स्किन से, नेल्स से, लिप्स से, हैंड्स और फीट वगैरह से, वो जाती है टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। किसके जरिए? डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स। जी, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज कैरीड थ्रू, तो आपने बोलना है डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सही है, बॉडी से हमारी चली गई स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो आगे कैसे जाएगी? बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक तो डोर्सल रूट्स लेंगी स्पाइनल नर्व्स की। अब स्पाइनल कॉर्ड से आगे का काम जो है वो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन स्टेम यानी जो कॉर्टेक्स होता है वहाँ तक जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है, एक तो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम और एक है एंटीरो लेटरल सिस्टम। तो ज़्यादा जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट वो डोर्सल कॉलम है, तो इसलिए हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें दो तरीके के ट्रैक्स होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? सोमैटो सेंसरी पाथवे। ठीक है, इसको असेंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स से वापस नीचे आते हैं उनको हम डिसेंडिंग बोल रहे हैं। तो बेसिकली असेंडिंग जो है वो इम्पल्सेस को टूवर्ड्स द ब्रेन लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका दूसरा नाम क्या है? सोमैटो सेंसरी, और सेंसरी इन्फॉर्मेशन ही ये कैरी कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, जो मीडियल लेमिनिस्कल है, ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, ये असेंडिंग ट्रैक्ट है। ठीक है, इसका दूसरा नाम असेंडिंग ट्रैक्ट का क्या होता है? सोमैटो सेंसरी। हमें ये पता चल गया कि जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम है इसने सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करनी है, क्योंकि सेंसरी सेंसेशन है उनमें भी कौन सी? तो उनमें हमारे पास एक करेगा फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसका। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, ये बहुत ही डिटेल्ड और फाइन किस्म की जो मूवमेंट्स हमारी होती हैं, सेंसेस होती हैं, उसको कैरी करता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा, इनके जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, वो बहुत ज़्यादा माइलिनेटेड होते हैं, इसी वजह से कि ये जो है वो फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन करता है कैरी। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है जो वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये हो गया ना कि आपसे वो ये पूछेंगे कि भाई ये कैरी क्या करता है सेंसेशंस, तो आपने सीधा सीधा बोलना है फाइन टच, ज़रूर बोलना है आपने फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। नेक्स्ट वो ये बोल सकते हैं आपसे कि हाउ द नेम अराइज, मतलब डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं? तो दो वजह है। पहली वजह ये कि ये जो है वो दो स्ट्रक्चर्स से अराइज होता है। सबसे पहले तो ये कि स्पाइनल कॉर्ड में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जो इन्फॉर्मेशन पहले आ रही है वो कहाँ ट्रैवल कर रही है? थ्रू डोर्सल कॉलम, तो हमने कह दिया डोर्सल कॉलम। फिर वो डोर्सल कॉलम से जाती है आपके मीडियल लेमिनिस्कल में। मीडियल लेमिनिस्कल कहाँ होता है? वो आपके पास ब्रेन स्टेम में आ जाता है। जब आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से चली गई सेंसेस टूवर्ड्स द ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम से आपके कॉर्टेक्स तक जो सिग्नल लेके जाता है पाथवे, वो पाथवे आपके पास होता है मीडियल लेमिनिस्कल। ठीक है, इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड? उसमें तीन तरीके के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये पूरा इसका स्टेप्स होते कैसे हैं। अच्छा, जो इम्पल्सेस हैं लोअर लिम से, देखिए लोअर लिम है, यहाँ से इम्पल्सेस आएंगी और ये कहाँ जाएंगी? डोर्सल कॉलम में आ गई। ठीक है, डोर्सल कॉलम में आ गई है और ये मीडियली ट्रैवल करेंगी। मीडियली ट्रैवल करके अभी ये यहाँ रुकी है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे आके रुकी है। ठीक है, अब आपके पास जो ये अपर लिम है यहाँ से भी क्या आएंगी? आपकी इम्पल्सेस आएंगी। ठीक है, और ये भी कहाँ आके रुक जाएंगी? डोर्सल कॉलम में आके रुक जाएंगी। तो लेकिन ये लिटरली आके रुकेंगी। बात यह है कि यहाँ पे होते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे होते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, वो देखें आप। तो जो हमारी इम्पल्सेस थी जो कि लोअर लिम से आ रही थी थ्रू डोर्सल रूट, वो कहाँ से ट्रैवल करेंगी? वो थ्रू डोर्सल कॉलम में ट्रैवल करेंगी। ठीक है, और मीडियल साइड पर ट्रैवल करेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोअर वाली सेंसेस हैं, जो लोअर लिम से आ रही हैं, वो मीडियल में ट्रैवल करेंगी, मीडियली ट्रैवल करेंगी। जो अपर लिम से आ रही हैं वो लेटरली ट्रैवल करेंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे जब पहुँच जाती हैं लास्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट होता है, तो फिर वो कहाँ पे आके टर्मिनेट होती है जिस एरिया में? उसको हम बोलते हैं फैसिकुलस ग्रैसिलिस। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पाथवे होगा इस
इसको हम बोलते हैं फैसिकुलस ग्रैसिलस, ठीक है, फैसिकुलस ग्रैसिलस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो यहाँ से इम्पल्सेस लेके आ रही हैं वो हमारे पास होती हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि आपके लिम से या सेंसरी सर्फेस से उसको कहाँ तक लेके जाती हैं, मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला तक जो लेके जाएगी न्यूरॉन उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये आपकी आई यहाँ पे डॉर्सल रूट की जो नर्व होती है उसने साइनैप्स किया विद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और वहाँ से इसको कहाँ तक लेके गई, मेड्यूला में, ठीक है। अब ये जो लोअर लिम से सेंसेस आ रही हैं वो थ्रू फैसिकुलस ग्रैसिलस जाके टर्मिनेट हो जाती हैं इन न्यूक्लियस ग्रैसिलस जो कि मौजूद है आपके मेड्यूला में, ठीक है। अभी लोअर लिम जो है वो मेड्यूला में है, ठीक है, मीडियल साइड पे है, लोअर लिम की जो सेंसेस आई वो मेड्यूला में जाके टर्मिनेट हो गई इन न्यूक्लियस ग्रैसिलस। ये डॉर्सल कॉलम था। अब जो लेटरल वाली हमारे पास सेंसेस हैं वो कौन सी हैं, अपर लिम से आ रही है लेटरल वाली सेंसेस, ठीक है। अब वो ट्रैवल करेंगी इन न्यूक्लियस क्यूनियस, सॉरी फैसिकुलस क्यूनियस में वो ट्रैवल करेंगी और वो कहाँ जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, इन न्यूक्लियस क्यूनियटस, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि लेटरल वाली सेंसेस कौन सी होती हैं, तो लेटरल वाली सेंसेस हमेशा अपर बॉडी के पोर्शन से होंगी और जो मीडियल वाली सेंसेस है वो हमेशा लोअर बॉडी के पोर्शन से होंगी इन डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई ये पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको बोलना है कि वो आपके डॉर्सल रूट से लेके टूवर्ड्स द मेड्यूला तक वो होगा, ठीक है। अब मेड्यूला से आगे का हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो साइनैप्स करती है विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी, फ्रॉम मेड्यूला टू थैलेमस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास सेकंड है और स्पाइनल कॉर्ड से मेड्यूला तक वन है, ठीक है, और थर्ड तो फिर आपको मैं आगे बताती हूँ। अभी यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि जो न्यूक्लियस क्यूनियटस है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस ग्रैसिलस है, क्यूनियटस हमारे पास लेटरल साइड पे होता है और जो ग्रैसिलस होता है वो मीडियल साइड पे होता है। जो ग्रैसिलस होता है उसमें हमारे पास फैसिकुलस ग्रैसिलस मूव कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे दो और बना दिए, देखिए ये राइट साइड के हैं, ये लेफ्ट साइड के हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में दो पार्ट्स होते हैं ना हमारे, एक राइट और एक लेफ्ट। तो मेड्यूला में आके जो राइट वाले फाइबर्स होंगे ग्रैसिलस के भी और क्यूनियटस के भी, वो क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे, उसको हम हमारी न्यूरो की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डीकसेट कर जाएंगे। डीकसेट करने से क्या मुराद है, ये यहाँ पे ऐसे आए और ये इस तरफ पे चले जाएंगे आपके फाइबर्स, राइट वाले गोज टूवर्ड्स लेफ्ट और लेफ्ट वाले गोज टूवर्ड्स राइट, दोनों तरफ, ठीक है। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, देखिए राइट वाले लेफ्ट की तरफ हो गए और लेफ्ट वाले हो गए टूवर्ड्स राइट, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डीकसेशन बोलते हैं। और इसके बाद ये क्या करेंगे, ये चले जाएंगे आपके थैलेमस के पास, थैलेमस में जाके कहाँ टर्मिनेट होंगे, इन VPL, दोनों चले गए ऑपोजिट साइड के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी बॉडी का राइट साइड है वो हमारा ब्रेन का लेफ्ट साइड कंट्रोल करेगा और जो ब्रेन का राइट साइड है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। अब इस VPL का क्या फुल फॉर्म है, वेंट्रल पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस और थैलेमस, ये एक रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है, ठीक। अच्छा, ये जो पूरा सिस्टम बना है आपका मेड्यूला से लेके थैलेमस तक, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल लेमिनिस्कल। अच्छा, मीडियल लेमिनिस्कल का दूसरा नाम क्या होता है, रील बैंड। अभी देखिए बैंड की तरह की शक्ल है, ठीक है। मीडियल लेमिनिस्कल क्या होता है, ये लार्ज असेंडिंग बंडल्स होते हैं हैवीली माइलिनेटेड एक्सॉन्स के, ठीक है, जो कि डीकसेट करते हैं हमारे पास इन द ब्रेन स्टेम, ठीक है। मीडियल लेमिनिस्कल किस तरीके से बनता है, आर्क्यूएट फाइबर्स, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स की क्रॉसिंग से। ये जो आ रहे हैं फाइबर्स, ये क्या है, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। अभी इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स कौन होते हैं, यहाँ पे आपके पास ये जो न्यूक्लियस ग्रैसिलस और क्यूनियटस था, इनके पास थी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के एग्जॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स, ठीक है। इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स कौन होते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के एग्जॉन्स। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आ रही थी, जिनका हमने क्या नाम दिया था, फैसिकुलस क्यूनियटस और ग्रैसिलस, इन्होंने साइनैप्स किया था विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो फिर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के जो एग्जॉन्स थे, जब वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जब वो डीकसेट होंगे, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मीडियल लेमिनिस्कल, ठीक है। जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के एग्जॉन्स हैं उनका नाम क्या होता है, दूसरा
इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। तो अब आपके पास वाइवा में पूछे कोई तो मीडियल लेमिनिस्कस क्या होता है, तो आपने बोलना है मीडियल लेमिनिस्कस एक बैंड होता है जिसका दूसरा नाम रील बैंड है, ठीक है, जो कैसे बनता है, बाय क्रॉसिंग ऑफ इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। अब अगला सवाल क्या होगा कि व्हाट आर इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, तो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स आर एक्सॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं हमारे पास न्यूक्लियस ग्रैसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस। क्यूनिएटस इज टूवर्ड्स द लेटरल साइड और ग्रैसिलस इज प्रेजेंट मीडियली। इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को हमारा ब्रेन का राइट पार्ट कंट्रोल करता है, वाइस वर्सा, ठीक है। अब हम पहुंच गए थैलेमस तक, अब आगे देखते हैं। थैलेमस से आगे का तो बहुत ही आसान पार्ट है, थैलेमस से कॉर्टेक्स तक पहुँच जाता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो मतलब हमारे पास थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन साइनेप्सिस विद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। थैलेमस के वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस से जो है ये फाइबर्स वो जाते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो फिर हम उसमें देखेंगे डिटेल में। तो ये वहाँ पे जाते हैं इनके रिस्पेक्टिव एरियाज में, जो सेंस का हमारे पास ब्रेन में पार्ट है वो वहाँ पे जाके उसको सेंड कर देते हैं कि ये है इम्पल्स। अब आप देखें आगे आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ से भी दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही होगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो उनको लेके जाएगी फ्रॉम थैलेमस का पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस से टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट, सोमैटो सेंसरी एरिया, ठीक है। और जो हमारे दूसरे वाले फाइबर्स हैं उनके साथ भी ऐसे ही होगा। अभी जो डीकसेशन हुई है मेड्यूला के लेवल पे, इसका एक और टॉपिक होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन। स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या होती है कि जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास मीडियल साइड पे होते हैं, ठीक है, और अपर पार्ट के जो होते हैं वो लेटरल साइड पर, ये बात हमें पता है। तो ऊपर जाके जो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है राइट साइड ऑफ द बॉडी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल ओरिएंटेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं ताकि आप इसको जब रिवाइज करें तो आपको आसानी हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए इसको आपने रटना नहीं है। सिंपल आपने इसको इस तरीके से याद करना है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ तक है, फिर सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, और फिर थर्ड कहाँ से कहाँ तक है। इसमें आपको न्यूक्लियस ग्रैसिलस और क्यूनिएटस का पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस ग्रैसिलस जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रही है या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और इसके पास फाइबर्स मीडियल साइड पे हैं या लेटरल साइड पे हैं। और डीकसेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो क्या होती है वो आपने बताना, स्पेशल ओरिएंटेशन आपने बतानी है, और थैलेमस में कहाँ पे जाके हमारे फाइबर्स जो हैं वो साइनाप्स करते हैं विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, तो वो मीडियल में करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।